लजायल बिलाई खम्भा न चोरे तो कुछ भी कह सकते हैं चूंकि जदयू छोड़ करके एक साल पहले वो निकले हैं और आज वो भाजपा में गए हैं ये रोड शो करते रह गए बजरंग बली का नाम बेचते रह गए इतना बजरंग बली का नाम बेचे बजरंग बली के नाम पर तलवार भाजे तो बजरंग बली भी इनसे नाराज हो गए और देव पटकनिया मारे करारी हार हुई भाजपा की कि भारतीय जनता पार्टी देश का कल्याण करने के बजाय देश की जनता को ये खून चूस ले रही है आपको मैं बता दूं कि किस तरह से जो है साजिश के तहत बड़े बड़े लुभावने वादे करने के बाद जिस जनता के वोट से सरकार बनाए भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जनता को ठगने का काम किया उसी जनता को अंगूठा दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी जिसको तरह तरह के नाम से लोग जानते हैं भारत जलाओ पार्टी बड़का झूठा पार्टी तरह तरह के नाम से भारतीय जनता पार्टी को लोग संबोधित करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहने की नई बात नहीं है ये हमेशा बारगेनिंग करती है लोगों को झांसे में लेती है आर सिंह बिहार आए थे और उन्होंने बीजेपी की दामन थाम ली है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज बिहार प्रदेश कार्यालय में पहली बार आए हैं और पहली बार आते हुए आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जो भी मुख्यमंत्री हैं वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और अन्य स्टेट जाकर के उन विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं अभी हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के हिमराज राम जी हैं इन्हों से हम बात करेंगे आज आर सिंह आए हुए थे और माननीय जो मुख्यमंत्री है विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो पीएम बनने का सब लोग लगा रहे हैं कि पीएम बनेंगे लेकिन पीएम बनने का वो उल्टा कुछ फुल फॉर्म बोल दिए हैं सबसे पहले तो आपका जो सवाल कि आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन किए तो उसे हमें कोई सर्दी गर्मी नहीं है हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एक साल पहले जदयू ने भारतीय आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड से बाहर कर दिया था और इस बीच में वो अपन इधर उधर घूमते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली उन्होंने और इस हिसाब से अपना बिहार के प्रदेश कार्यालय में वो गए तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो औपचारिकता होती है औपचारिकता लोगों ने किया है लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जनता दल यूनाइटेड मजबूत है आगे भी मजबूत रहेगा चूँकि भार, भारतीय जनता पार्टी जिसको तरह तरह के नाम से लोग जानते हैं भारत जलाओ पार्टी बड़का झूठा पार्टी तरह तरह के नाम से भारतीय जनता पार्टी को लोग संबोधित करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहने की नई बात नहीं है ये हमेशा बार्गेनिंग करती है लोगों को झांसे में लेती है झूठे प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को उलझा करके लोगों को बा के फुसला के और ये कहिए कि ये उपद्रव फैला करके लोगों की भावना को भड़का करके ये अपना उल्लू सीधा करती है रोटी राजनीतिक रोटी सेकती रहती है लेकिन इस बार इनका पोल खुल चुका है क्योंकि देश की जनता इस बात से वाकिफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी देश का कल्याण करने के बजाय देश की जनता को ये खून चूस ले रही है आपको मैं बता दूं कि किस तरह से जो है साजिश के तहत बड़े बड़े लुभावने वादे करने के बाद जिस जनता के वोट से सरकार बनाए भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जनता को ठगने का काम किया उसी जनता को अंगूठा दिखाने का काम किया और आज उनके पार्टी में कोई आ रहा है जा रहा है इससे इस, इस मुहिम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है चूंकि जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सदा सत्ता से बेदखल करना है भाजपा मुक्त भारत बनाना है आर सी पी सिंह जो आए हुए थे उन्होंने सीधा तौर पे कह दिया कि पीएम का फुल फॉर्म उन्होंने बताया कि पलटी मार अब कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं एक देहाती कहावत है कि लजायल भिल ल, ल, लजायल बिलई खंभा न चोरे। तो कुछ भी कह सकते हैं चूँकि जदयू छोड़ करके के एक साल पहले वो निकले हैं और आज वो भाजपा में गए हैं तो जनता दल यूनाइटेड बिहार में शासन में है और भाजपा विपक्ष में है तो वो तो तरह तरह की बात करते रहेंगे सत्ता से बेदखल हैं बिहार में और केंद्र में भी बेदखल होंगे इसी का उनको जो है पीड़ा है छटपटाहट है बेचैनी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हताशे में हैं जब एनडीए के साथ आपकी सरकार थी तो उस समय विधानसभा में नीतीश कुमार जी एकदम पीट पीट के रहे थे हम मट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इसके साथ नहीं जाएंगे तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी जो कह ले हम बिहार के विकास के लिए हमारे नेता बिहार के विकास के लिए बिहार की तरक्की के लिए बिहार के उत्थान के लिए जो संभव काम होता रहा है किया है और भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो हमारे नेता बिहार के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और जनता उन्हें पसंद करती है जनता उनसे आशा करती है कि नीतीश कुमार ही बिहार का उद्धार कर सकते हैं बिहार की तरक्की कर सकते हैं बिहार को जो है विकास कर सकते हैं आपने तरक्की की बात की तो विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम आज से भ्रमण करेंगे पहले नीतीश कुमार के ही जिला गृह जिला से हम चालू करेंगे और सभी विद्यालय में जाकर के चेक करेंगे कहीं शिक्षक हैं तो स्टूडेंट नहीं कहीं स्टूडेंट है तो भवन नहीं अब उनको घूमने के लिए कौन रोका है घूमे जाकर जनता के विधायक हैं जिस क्षेत्र से भी वो है ना विधायक तो उन उनको तो अपना क्षेत्र में घूमना चाहिए अपना काम ईमानदारी से पूरी ईमानदारी से करना चाहिए जनता वोट देती है विकास के लिए जनता वोट देती है वो अपने बातों को सदन में उठाने के लिए जनप्रतिनिधि चुनती है और ये सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और सदन में तो क्या बोलते हैं पटना में रह के क्या बोलते हैं दिन भर सरकार के खिलाफ में चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम क्यों न करे सिर्फ ये लोग विरोध करते हैं इन लोगों की नीयत है कि सरकार की जो योजना है मुख्यमंत्री जी जो योजना चला रहे हैं जनता को लाभ दिलाने के लिए इन लोगों की नीयत है कि उसका लाभ जनता तक नहीं पहुँचे इसलिए जलन है इनको तो ये इन लोग हर बात का विरोध करते हैं नीतीश कुमार जी भी विपक्षी एकता को लेकर के स्टेट जा रहे हैं और घूम रहे हैं और उन्हीं पर आरसीपी सिंह ने कह दिया कि पीएम का फुल फॉर्म बता दिया कि ये पर्यटन मुख्यमंत्री है ये तो 2024 में पता चल ही जाएगा देखे न कर्नाटक में ये रोड शो करते रह गए बजरंग बली का नाम बेचते रह गए इतना बजरंग बली का नाम बेचे बजरंग बली के नाम पर तलवार भाजे तो बजरंग बली भी इनसे नाराज हो गए और देव पटकनिया मारे करारी हार हुई भाजपा की और कांग्रेस की सरकार बनी कर्नाटका में और देखिएगा 2024 में इसी तरह से इन लोगों का जो बरबोलेपन है जो हमेशा लोगों को धोखा दिया झांसे में लिया वो अब इस बार चलने वाला नहीं है जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सबको इनके नेता ने गाली दिया है और आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा था कि हम क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त कर देंगे हम क्षेत्रीय क्षेत्रीय दलों को जो है उनकी जो भूमिका है वो भूमिका को तो समाप्त कर देंगे तो क्षेत्रीय दल भी अपनी ताकत दिखाने के लिए कमर कस लिया है और आपस में एक दूसरे से मिल के विपक्षी एकता की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे नेता हर जगह जा के सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका जो है रिजल्ट आपको दिखेगा दो हजार चौबीस में और अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिनों के बाद एक पहला जो प्रयास हुआ है उसका रिजल्ट आपको सामने आने वाला है तुरंत सभी विपक्षी दलों के लोग जो भिन्न भिन्न राज्यों के नेतृत्व में हैं वो सारे लोग एक साथ मिलकर के ये विपक्षी एकता मुहिम को बड़ी तेज धार देने वाले हैं एक साथ बैठ कर के इस पर निर्णय लेकर के अपने किसके अगुवाई में चलना है अपने नेता का भी चुनाव करेंगे ये बहुत जल्दी ये चीज आपको देखने को मिलेगा देखिए आज आए हुए थे बीजेपी कार्यालय में आर सी पी सिंह उन्होंने बयान दिया था फुल फॉर्म बताया था पीएम का और इस पर आज बरसते हुए जदयू के प्रवक्ता भीमराज मुररान जी बताते हुए कि दो हजार चौबीस में पता चलेगा कि क्या है विपक्षी एकता अब फिलहाल आप देख रहे थे जनता जैक्शन मेरा नाम ऋषि है